वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन आज माइनक्राफ्ट ऐसे दिखने वाला है। और भाई मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इसमें खेलने के लिए। ये देखो ना दोस्तों, लिटरली आपने सिनेमैटिक शॉट्स तो देखे इसके, बट अभी हम लोग खेल रहे तो क्या दिख रहा है माइनक्राफ्ट। सीरियसली ये माइनक्राफ्ट लग भी नहीं रहा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये मॉड इंस्टॉल किया था भाई, लिटरली लग भी नहीं रहा था माइनक्राफ्ट ये। और ऊपर से ऐसी मस्त जगह मिली मुझे, लाइक लिटरली वो माउंटेन्स मुझे पूरे के पूरे दिख रहे। साथ में चेरी ब्लॉसम के इतने सारे पेड़ है, यहाँ पे बीच में इसके एक विलेज है, ये एनिमल्स भी बहुत ज्यादा खुश है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये माइनक्राफ्ट कुछ नया गेम बन गया है। वो माउंटेन्स देखो, जूम करके भी हम लोग देख पा रहे हैं, इतना अच्छा क्वालिटी उसका। भाई लग रहा है यार कुछ अलग हम लोग खींच रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। सीरियसली इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे दोस्तों, इस वाली सीरीज में हम लोग और भी मॉड्स इंस्टॉल करेंगे। मेरा लिटरली बहुत ज्यादा मन हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मॉड देखा था इसमें खेलने का, और मैंने सोचा भाई पूरा हम लोग गेम कम्प्लीट करेंगे इसमें। हम लोग इसमें और भी कुछ रियलिस्टिक मॉड्स वगैरह डाल सकते हैं, बट भाई ऐसे ही देखने में क्या मजा आ रहा है यार, कुछ अलग ही ऐसे फील आ रहा है। मैं सब बता नहीं पा रहा हूँ कि भाई क्या लग रहा है इसको खेलने में। प्लस मैंने ना एक और मॉड डाला है जिससे हम लोग कहीं पे भी कैमरा घुमा सकते हैं। ये स्पेक्टेटर मोड नहीं है, बट उसके जैसा ये कैमरा वाला मॉड है। तो हम लोग ये देखो ना, सिर्फ इस मॉड की ब्यूटी देखने के लिए मैंने ये इंस्टॉल किया है कि भाई हम लोग सारी जगह देख सकते। भाई वो साइड के तक माउंटेन्स दिख रहे है, हेलो, और शैडो वगैरह सबके साथ क्या दिख रहा है दोस्तों। सीरियसली कुछ अलग ही सीन है। विलेज यहाँ पे मस्त है, ये विलेजर को क्या मस्त नजारा देखने मिलता है दोस्तों, क्या मजे है इनके। वैसे विलेज हम लोग तोड़ेंगे नहीं, मैं सोचा था कि भाई इनके घर तोड़ के इनसे वुड ले लेते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा अपना ये नॉर्मल सा एक पेड़ तोड़ते और यहाँ से वुड ले लेते हैं। बेचारे विलेजर्स को मुझे ज्यादा यार तकलीफ नहीं देनी है भाई, तोड़ते समय भी मस्त नजारा देखते हुए तोड़ेंगे हम लोग चीजें। वाओ, कुछ मतलब बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वाओ भाई, सनरेज वहां पे जब आ रही है तो एक अलग सा इफेक्ट बन रहा है। ये मॉड है ना काफी खतरनाक तरीके से काम करता है। बाय द वे वेट, यहाँ पे क्यों मैंने खो दिया यार, जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में, लेकिन हम लोग खेलने वाले, हम लोग इस मॉड का पूरा लाइक मजा लेने वाले हैं। मजा इन द सेंस की एक रहता ना फील लेने वाले इसका, काफी मजे करते करते हम लोग खेलेंगे साथ में। एंड बाकी भी अगर आप चाहते हो कुछ मॉड्स डालू तो आप मुझे बता सकते हो, जैसे कि अभी रिसोर्स पैक मैंने डाला नहीं। रुको, हम लोग ऊपर चल के बातें करते हैं, क्योंकि सारी बातें अगर यहाँ पे कर लूंगा तो ऊपर जाके क्या ही बचेगा बात करने के लिए। यहाँ पे एक स्टोन की पिकैक्स बनवा लेता हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा, और भी स्टोन की चीजें उठा लेता हूँ। ये शेडर्स भी काफी कमाल के, दिखने में भी मजा आ रहा है, खेलने में भी मजा आ रहा है, सारी चीजें करने में आज मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ नया गेम हम लोग आज खेल रहे हैं। वेट भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। इसको तोड़ दूं क्या वापस? एक मिनट, तोड़ दे भाई, तोड़ दे, जल्दी तोड़ दे। एक बाद में पीछे जाके, लाइक पीछे नहीं ऊपर चल के हम लोग एक्स भी बनवा लेंगे वुल तोड़ने के लिए। भाई ऊपर आते वापस लेकर यार, खुशी ऐसी हो रही देख के, इसका मतलब रियलिस्टिक लग रहा है। अगर मैंने सब यूआई बंद कर लिया तो इसको लिटरली मैं एज एक वॉलपेपर रख सकता हूँ। सोचो ना, देखो कहीं पे भी देखूंगा वॉलपेपर बन जाएगा, ये साइड पे नहीं बनेगा। एक्चुअली बन सकता अगर थोड़ा ऊपर से मैं देखूंगा तो, ये देखो अगर यहाँ से देखूंगा तो शायद से बन जाएगा ये साइड का भी वॉलपेपर। भाई ये देखो यार, वॉलपेपर लाइक चीजें भाई, मैं एक्चुअली F2 दबा के स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ इस चीज के। मैं इसको एक्चुअली वॉलपेपर रखने वाला हूँ। ये हो क्या रहा है, कुछ ग्लिच है या फिर ये सिर्फ ऐसे हो रहा है? ये देखो मैंने कितने सारे स्क्रीनशॉट निकाल लिए भाई, सीरियसली रात का समय होने वाला है, स्टिल क्या मजा आ रहा है देखने में आजू बाजू में। भाई मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहा हूँ और सिर्फ देख रहा हूँ यार यहाँ वहाँ चीजें क्या है और इन लोग के पास क्या चीजें, वो भी देखते भाई। विलेजर्स को अपने को लूटना ही पड़ेगा, बेचारे विलेजर्स इतनी मेहनत करके यहाँ पे रहते हैं, काम धंधा करते हैं आसपास। और बाय द वे भाई, इसमें सिर्फ ये वाला मॉड नहीं है, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग लोकेशंस भी आएगी इस वाले मॉड के अंदर, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ये देखो ये पहले से ही सो गया भाई बंदा, भाई क्या लोग है देखो यार, थोड़े से आलसी विलेजर्स तो है मुझे मानना पड़ेगा। बाय द वे फुल मैंने हाईएस्ट क्वालिटी पे सब चला है,
इसलिए मे भी थोड़ा सा लैग देखने मिल सकता है बीच बीच में दोस्तों, बट समझ लेना उसको, क्योंकि भाई क्वालिटी बहुत मस्त लग रही है इसकी। वाव, क्या दूर देखने का यार, मुझे कभी लगा नहीं था कि सिर्फ रेंडर डिस्टेंस इतना बढ़ के एक गेम इतना अलग दिखने लग जाएगा। सीरियसली मुझे लगा ही नहीं था। इसके पास क्या है? ठीक है, कुछ खाना वाना है भाई, ये भी है, चलो एमरल्ड भी है, मस्त चीज है भाई, काफी ज्यादा मस्त चीज है भाई। मुझे सोने के लिए आज जगह चाहिए, प्लीज भाई देगा, आज जगह देगा नहीं, प्लीज भाई देना देना, मैं तेरे को एक एमरल्ड देता हूँ। एमरल्ड लेगा? एमरल्ड लेना भाई, सोने को दे मेरे को। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। भाई ले, अभी क्यों नहीं ले रहा है? नहीं चाहिए बोल रहा है। उठ उठ, थैंक यू सो मच भाई। क्या मतलब, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं कैसे मैं एक्साइटमेंट आपको दिखाऊं, मेरी बया कर पाऊं। ये देखो, बाहर आते ही ये वाली लोकेशन से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है यहीं पे मैं बस जाऊं, यहीं पे पूरा घर वर बना दूं और लाइक आगे बढ़ू ही ना। बट अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग नॉर्मल वे में ही आगे बढ़ेंगे। बाय द वे भाई, थोड़े से एनिमल्स वगैरह भी है बाजू में, काफी सारी शिप्स भी है यहाँ पे, ये भी मस्त चीज है। वो साइड के माउंटेन्स देखो यार, वाओ, ये साइड के माउंटेन्स भी देख के का मस्त लग रहा है। ये साइड देखो, यहाँ तक लेफ्ट साइड तक यहाँ पे स्नो है, और ये साइड अलग टाइप के माउंटेन से भाई, क्या अलग दिख रहा है। मैं क्या सोचता हूँ, कोई एक माउंटेन के ऊपर आज हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी के अभी मैं चढ़ने जाने वाला हूँ ऊपर माउंटेन के, एंड वहां से हम लोग देखने वाले हैं कि क्या दिखता है, ठीक है। बाय द वे मैंने जैसे बोला था, ये थोड़ा सा नया अलग सा लाइक विलेज टाइप है। ये देखो, यहाँ से भी हम लोग चीज देख सकते हैं। वाह वाह वाह, इसको तो मस्त यार व्यू मिल गया दोनों साइड का, और कुछ चीजें, कुछ अच्छा सा इफेक्ट आया भाई इसका, जो ये रहता है ना अपना, हम लोग डैमेज लेते हैं उसका। एमरल्ड और एक मिल गया, बूट्स भी मिल गए। बूट्स एक्चुअली मिल गए तो अच्छा हुआ मेरे लिए, बिकॉज कभी कभी स्नो में धस जाता है इंसान, तो उस चीज में काम आ जाते हैं ये बूट्स। आयरन गोलियम ने ये क्या इनके पास? भाई मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए, ताकि हम लोग फटफट ये बनवा पाए अपनी एक, एटलीस्ट एक तो ये बनवा सकते हैं ना हम लोग। अबे क्या लगा लिया मैंने गलती से, हेलो, मुझे ये लगाना था भाई, गाई गाई में हो जाता है। चलो इसको हटाते, वैसे अपने पास वुड की तुरंत कमी हो गई है। वुड क्यों नहीं यहाँ पे? रुको, इसको उठाते वापस से, एंड गोलेम से पहले पंगे ले लेते, ठीक है। गोलेम भैया कैसे हो? गोलेम भैया सब बढ़िया, सब बढ़िया। गोलेम भाई ये ले, आजा आजा, कहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे से, यहाँ पे से, यहाँ पे से। एक तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। एक दो तीन, अब सही, अब सही। वहां पे क्या गलती से लग गया? थोड़ा सा लैग मुझे महसूस होता है, इस वजह से मैं भी। अरे मेरे पास खाना भी, हम लोग ऐसे खाएंगे ना भाई, मस्त व्यू को देखते हुए खाएंगे। सारा लाइक खेली व्यू पे पूरा का पूरा। इसमें हम लोग, मैं क्या बता रहा था पता है क्या, इसमें रिसोर्स पैक मैंने डाले नहीं है, बिकॉज अभी बैरली मुझे 60 FPS आ रहे इस वाले मॉड में। अगर रिसोर्स पैक डालूंगा तो और भी कम हो जाएगा। आप चाहते हो तो नीचे कोई रिसोर्स पैक के नाम सजेस्ट कर लेना, मैं ट्राई करके देखूंगा कि भाई किस में थोड़ा आप लोग परफॉर्मेंस ला सकते हैं। देन बाकी कुछ मॉड से जिससे और भी हम लोग माइनक्राफ्ट को रियलिस्टिक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वाला मॉड जिससे लाइक फिजिक्स रियलिस्टिक हो जाते हैं, उसमें मजा आ सकता है शायद से। मतलब कोशिश कर सकता हूँ मैं उसको ये सब में डालने की। देन एक नो क्यूब्स का भी मॉड है, लाइक जिससे आपको पता है कि जिससे सारे जो माइनक्राफ्ट के ये है ब्लॉक्स है वो क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं। चेरी ब्लॉसम के पेड़ तोड़ने अभी यहाँ पे, ये भी काफी बढ़िया लग रहा है यार ऐसे अंदर। यहाँ से लाइक इतना इफेक्ट ना रहा है, बट सीरियसली बोलता हूँ शेडर्स भी मे बी एक बहुत बढ़िया चीज है। ये वाले लाइक जो मैंने कॉम्बिनेशन चूज किया ना ये वाला, इसमें शेडर्स भी काफी बढ़िया है। तो अपने को पहले तो ये चाहिए, देन थोड़ी बहुत स्टिक्स चाहिए भाई, एंड स्टिक्स के साथ वेट हम लोग है ना पूरा पूरा सेट कर लेते हैं इन्वेंटरी, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक वाटर बकेट बनवा लेते हैं पहले भाई, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम लोग गिर जाए नीचे, ठीक है। मुझे ना कुछ कीबाइन सेट करनी पड़ेगी, फटफट कर लेता हूँ। हम लोग चढ़ने वाले इस बड़े से माउंटेन के ऊपर, ठीक है। कौन से वाले पे चढ़ना है वो एग्जैक्टली मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है, पर चढ़ने वाले फर्स्ट शो। एंड थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या कहीं पे? एक कोल्ड्रॉन था यहाँ पे, वहां से मैं पानी निकाल सकता हूँ मे बी, वहां से पानी, लेकिन देगा क्या कोई? इससे मिलता क्या पानी? मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये। ओके पानी, ओ मिलता है ऐसे पानी। भाई बारिश स्टार्ट हो गई, क्या लग रहा है ये? हेलो बारिश का टाइम, वेट हम लोग इससे देखते भाई। ये वाला मॉड क्यों ही इंस्टॉल किया मैंने भाई, बारिश के टाइम क्या फील आ रहा है यहाँ का, वो देखो ना यार भाई, जितना ऊपर जाओ उतना मस्त लगने लगता है, ऐसा फील आ रहा है मुझे। वो देखो ना यार, सब कुछ क्या खतरनाक दिख रहा है दिखने में भाई, ऊपर चल के मुझे देखना ये सब चीजें भाई, लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। नीचे आते वापस से, एंड अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन से साइड वाले हम लोग पहाड़ पे चढ़ते, ठीक है। सबसे ऊंचा वाला
पहाड़ मुझे लगता है वो है क्या, नहीं आई थिंक यही वाला पहाड़ एकदम ऊंचा है, सबसे ऊंचा यही दिख रहा है मुझे, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो कहां से मुझे अच्छा व्यू आएगा वो मैं सोच रहा हूँ, मे भी यहाँ से एक अच्छा व्यू आ सकता है यहाँ के मुकाबले। तो हम लोग ये वाले पहाड़ के ऊपर जाने वाले दोस्तों आज। ठीक है, ये आज मेरा सिर्फ गोल है कि अपने को एक पहाड़ चढ़ना है, ये है अपना माउंट एवरेस्ट एंड इसको हम लोग चढ़ने वाले। मेरे लिए एक लाइक बनता है, वो भी इतने लाइक बारिश के मौसम में हम लोग ऊपर जाने वाले। भाई ये शेडर्स भी कमाल के है, सारा आज का दिन ही कमाल का है, बीच बीच में कुछ चीजें भी है, ऊपर से शायद मुझे कुछ नए लोकेशन भी दिख जाए जहाँ पे हम लोग जा पाएंगे, उसमें भी एक मजा आएगा अलग सा। भाई चढ़ो 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 चढ़ो, क्या लाइक एक एक्साइटमेंट आ रहा है मुझे नया, जो फर्स्ट टाइम मैंने शेडर्स इंस्टॉल करने पे, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने जब खतरनाक ग्राफिक्स खेले थे माइनक्राफ्ट के अंदर, तब जो एक्साइटमेंट आया था ना, वही वाला आज एक्साइटमेंट मेरे अंदर है। ये वाला जो मॉड है, ठीक है, इसके साथ दो चार मॉड और भी डाले जिसके वजह से इतने ऊंचे माउंटेन्स है अपने पास, वरना तुम लोग को पता ही है माइनक्राफ्ट के अंदर इतने ऊंचे माउंटेन्स होते भी नहीं। भाई क्या जंप करना पड़ रहा है, देखो सीरियसली कितना ज्यादा ऊंचा माउंटेन है, मैं पहुंच भी पाऊंगा क्या? आई होप कि मेरा खाना ना पूरा चला जाए। नीचे आना काफी इजी है, हम लोग चुपचाप से अपना यही यूज कर लेंगे, क्या बोलते वो वाटर बकेट यूज कर लेंगे, वाटर बकेट ट्रिक से ही आएंगे हम लोग ऊपर, ऊपर नहीं सॉरी नीचे आएंगे, ऊपर भी एक्चुअली जा सकता हूँ वाटर बकेट से, फायदा में नीचे नहीं गिरना है और नीचे देखना भी नहीं। ओ इतनी जल्दी हम लोग यहाँ तक भी आ गए, हेलो, ऐसा नीचे का चीज भी नहीं दिख रहा है, नीचे ऐसा कोहरा हो गया है भाई। आई होप कि ऊपर चल के मैं देख पाऊँ नीचे, वरना अजीब हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से खाना खा लेता हूँ, पर कोहरा ज्यादा ही बढ़ गया है कुछ, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। सीरियसली ऐसा फील आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, एक माउंटेन के ऊपर आ गए। आई थिंक मुझे ना ये ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी से ही हम लोग इस्तेमाल करके पानी से ही चलते ज्यादा ऊपर। ओ भाई क्या जगह है भाई, ये पहुंच के आ गया हूँ मैं, भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग की तरफ लाइक हेवन की तरफ जा रहा हूँ। वाह भाई, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है भाई स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, रुको मैं देखता हूँ कि हम लोग कितना ऊपर तक आ गए, लगभग पहुंच भी गए भाई, काफी तेज हूँ मैं, लेकिन हम लोग ना वो ऊंचे वाले चोटी पे जाएंगे। वैसे इस मॉड का मुझे इस टाइप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैंने सिर्फ ये लाइक थोड़ा सा यावा देखने के लिए लिया है, तो मुझे ऐसा लाइक स्पेक्टेटर जैसा चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम लोग करने नहीं वाले। ऊपर एक भाई बकरी भी है, ओ क्या लग रहा है ये सब, चलो ऊपर वाले चोटी पे चलते हैं। भाई ये साइड भी क्या लग रहा है, कुछ ज्यादा ही एपिक ना हो रहा है कि ये सब कुछ, ऐसे मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये माइनक्राफ्ट है, ऐसा लग रहा है कुछ दूसरा नया गेम खेल रहा हूं मैं, या फिर कोई मूवी देख रहा हूं, मूवी इन द सेंस कि मूवी के जो शॉट्स रहते हैं ना, अच्छे वाले सीन्स देख के जो शॉट्स डिसाइड किए जाते हैं, उस टाइप के शॉट्स। ये देखो ना भाई, मैं अगर ये बंद कर देता हूं ना यूआई, तो लगता ही नहीं ये माइनक्राफ्ट है। भाई क्या लग रहा है, ये देखो ना क्या लग रहा है, मैं स्क्रीनशॉट्स लेते दे रहा हूं शायद से, एक दो तो मैं एटलीस्ट यूज करूंगा ही एज अ वॉलपेपर, जो सबसे बेस्ट रहेगा वो वॉलपेपर। अभी ये सबसे ऊंची चोटी पे मैं पहुंच गया हूं लगभग, मैं भी ये नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, आगे की ऊंची चोटी है वो वाली सबसे, तो मुझे वहां तक जाना है। भाई मजा आ रहा है यार, ये शेडर्स भी देखो ना क्या परफेक्ट काम कर रहे हैं। हेलो कैसी है ये, क्या बोलते गोट कैसी है। वैसे हम लोग आ गए अभी 266 तक, काफी ज्यादा ऊंचाई तक आ गए। मुझे लगता है हम लोग ये ज्यादा कुछ ज्यादा ऊंचाई पे ना आ गए क्या, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं ब्लॉक प्लेस कर पा रहे, मुझे लगा ब्लॉक नहीं प्लेस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है अभी थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, ये देखो आ गया लगभग हम लोग। ओ ओ भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ लाइक हम लोगों ने अचीव किया है इधर आके। ऐसा अब नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना, ठीक है नीचे नहीं गिरना, आराम से चल। ठीक है एंड ये आ गया सबसे ऊंची चोट, वाओ ये वाला भाई, ये साइड पे भी क्या बढ़िया जगह है, सीरियसली ये साइड पे भी क्या दिख रहा है माउंटेन्स, ऐसा लग रहा है एक्चुअली हिमालय रहता है, माउंट एवरेस्ट रहता है, उसके टाइप का यहाँ पे फील आ रहा है। और ये देखो ये नीचे के साइड है अपना, यहाँ पे विलेज था एक। ओ भाई साहब सीरियसली, भाई किसी को लगेगा मैं स्पेक्टेटर मोड में हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जीयूआई बंद कर दो बीच बीच में ताकि अच्छे से हम लोग इसको एक अप्रिसिएशन दे पाए, दिखने में भी बढ़िया दिख रहा है। वो साइड भी देखो यार, वो साइड भी देखो, वैसे ये थोड़ा सा अगर ये कम हो जाए ना हेजी हेजी तो बढ़िया हो जाए, मुझे शायद से वो नॉर्मल वाले माउंटेन्स पे चढ़ना चाहिए था बिकॉज वहां से ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा, बट मे बी हम लोग ये साइड को थोड़ा सा देखते हैं और क्या है, लाइक यहाँ से मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है। भाई रात का समय होने वाला है, रात में कैसा दिखता है ये जगह, आई डोंट थिंक रात में कुछ ज्यादा इफेक्ट आएगा इसका, बिकॉज रात में तो कुछ यहाँ पे लाइट वगैरह तो है नहीं, बट स्टिल यार क्या दिख रहा है देखो ना अभी। ओहो ये साइड में भाई ये गोट्स होती है ना कभी कभी आके पिछवाड़े में मार देती है, ये देखो देखो
एक आने की कोशिश भी कर रही है। आई होप कि अपने को ये उड़ा ना दे, प्लीज उड़ा मत प्लीज उड़ा मत, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आया हूँ। कुछ खाना चाहिए तेरे को? अबे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वरना मैं गोट को दे देता हूँ। ये पोटैटो खाएगी भाई? इतने ऊंचाई पे कुछ खाना नहीं मिलता होगा। गोट पोटैटो खाएगी? नहीं खाती यार। एप्पल खाती है क्या गोट? एप्पल खाती है भाई? खाना तो चाहिए, हमारे गाँव की तो खाती है भेड़ बकरिया सीरियसली, लेकिन ये वाली नहीं खाती, ये वाली थोड़ी अजीब सी है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा स्टार वाला एक इफेक्ट है। मैं सो रहा हूँ पहले। What the hell was that? भाई अचानक से आया वो क्रीपर। वो देखो नीचे भी एक है। थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ से, ताकि क्रीपर ना पहुंच पाए अपनी तरफ। वो देखो वहाँ पे एक और क्रीपर है। भाई अभी सुबह के समय में देखते हैं कैसा फील आता है यहाँ पे। भाई मुझे पता है तुम लोग सोच रहे ये ईशान भाई यहाँ पे क्या करते बैठे यार, आगे चलना है या वहाँ चलना है। ओके वहाँ पे एक और विलेज दिख रहा है, वो भी साइड जा सकते हैं हम लोग, या फिर दूसरा कोई साइड में डिस्कवर कर सकता हूँ नया वाला। ओके आराम से चल, आराम से चल। आई होप कि क्रीपर अपने पीछे ना आए यहाँ पे, ठीक है? प्लीज मत आना, कैसे भी मत आना प्लीज यार, मत आना प्लीज, ठीक है? ये साइड तो विलेज अपना, ठीक है? और यहाँ से ही हम लोग ऊपर आए थे। भाई क्या डर लगा पता है क्या उस क्रीपर की वजह से? मुझे लगता है अपने को थोड़ा बहुत अभी आर्मर वगैरह भी बनवा लेना चाहिए, वरना हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। ओके ये वाला विलेज तो अपने पुराने वाले विलेज के काफी क्लोज लग रहा है, चलो तो नए वाले विलेज की तरफ भी बढ़ जाते हैं और वहां से भी कुछ हम लोग रिसोर्सेस ले लेते हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छी लोकेशन है, मैं बता भी नहीं पा रहा आपको। वेट आई थिंक ये साइड पे मैंने कहीं पे देखा था एक विलेज। ये एक मस्त चीज है यार, जो अपना ये रहता ना हाईएस्ट रेंडर डिस्टेंस का, तो उसके वजह से हम लोग को दिख गया कि भाई विलेज कहाँ पे, हम लोग उसी की तरफ चल रहे हैं अभी। मे बी विलेज था या कुछ और, इसके मैं गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ पे एक रैविन है क्या? यहाँ पे एक रैविन है। अगर कुछ अच्छी चीज होगी यहाँ पे नीचे तो हम लोग इसको भी माइन कर देंगे। स्पेसिफिकली मुझे चाहिए एक आयरन चाहिए, एक नहीं मतलब काफी सारा मुझे आयरन चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग आयरन का आर्मर बना देंगे। नहीं यहाँ पे तो आयरन है ही नहीं। चलो ऊपर चलते वापस से। अंदर भी वर्ल्ड जनरेशन काफी खतरनाक सा है, नीचे भी कुछ बड़ी बड़ी सी शायद से अपने को बाद में केव्स भी दिख जाएगी। ओह ये क्या भाई, थोड़ा संभल के चल भाई, संभल के चल। अगर नीचे वैसे गिर गया तो पहले ही दिन अपना ये हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हम लोग आराम से। तो ऊपर चलते यहाँ से पहले, बिकॉज ऊपर से अपने को चीजें अच्छे से दिख जाएगी और प्लस हम लोग वापस अप्रिशिएट कर सकते हैं यहाँ की ब्यूटी। कभी कभी क्या होगा ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा रेंडर होने में चीजें, काफी दूर की चीजें होती है वो, बट जो पहले से रेंडर्ड है, जैसे वो देखो वो पीछे के आपको दिख रहे माउंटेन्स, ठीक है? वो देखो वो रेंडर्ड है अभी भी, वैसे के वैसे दिख रहे हैं। ये साइड के माउंटेन्स भी बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। मैं कहाँ पे आ गया, मैं देखते भाई। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, सच्ची मस्त लग रहा है यार, ये जगह ही मस्त लग रही है। ये साइड पे विलेज अपना लाइक पीछे ही विलेज है, ये साइड पे चलते हैं और यहाँ से इनके तरफ से भी लाइक इनकी चीजें डापते हैं। और क्या करेंगे, ये काम ही अपना चीजें डापना। और ये एक मिनट ऊपर क्या है, मुझे लगा वहाँ पे काउच चढ़ गई है। नहीं नहीं यहाँ पे नॉर्मल सा एक विलेज है, कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें अलग अलग टाइप के विलेजेस भी आएंगे आगे चल के। प्लीज तो आप ना लाइक देते जाना अगर आपको लगे कभी कि भाई ये काफी मस्त लग रहा है मुझे गेम प्ले और इसके अपने को और भी एपिसोड चाहिए, तो प्लीज लाइक देना उस टाइम पे ही, तो हम लोग इसके जल्दी से एपिसोड्स लाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सीरीज भूल जाता हूँ, मैं जानबूझकर नहीं लाता एपिसोड्स, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी तुम लोग को देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आपके कमेंट्स होंगे काफी सारे तब डेफिनेटली हम लोग लाएंगे भाई, चीजें लाएंगे। मैं थोड़ी ना मैं कौन होता हूँ भाई तुम लोग को उसको मना करने के लिए, भाई सीरियसली बोलता हूँ। ये देखो मास्क खाने की चीजें उठाओ एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? कहीं पे भी आता हूँ मस्त दिखते लगती है चीजें भाई, सीरियसली कुछ ज्यादा ही बढ़िया दिखते ये चीजें। कहीं से भी देखो एक अलग सा फील आ रहा है इसको देखने में, लाइक जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अभी एक माइन दिखी मुझे अच्छी खासी, मे भी अच्छी खासी है। ये क्या भाई यहाँ पे ऐसा क्यों इफेक्ट आ रहा है, पानी या क्या इधर, ये क्या चीज है? हेलो ये था क्या, मतलब ऐसा क्यों इफेक्ट है यहाँ पे, पता नहीं बट जो भी था मस्त था, लाइक मजा आ गया नीचे आके। यहाँ पे दिखने में मजा आया बट कुछ अच्छा खासा मिल नहीं रहा है, कुछ ज्यादा कॉपर है काफी सारा यहाँ पे, बट आई वांट सम आयरन चाहिए भाई, अपने को आयरन की काफी जरूरत है अभी, आज के लिए तो आयरन चाहिए, बाद में चल के अपने को पता है क्या चाहिए। ए भाई ए भाई ए भैया फट जा मास फट जा, कोई सीन नहीं दे रहा, ठीक है? फट जा। और अपने पास आयरन अभी कितना हो गया, और दो हो गया मेरे पास, सात ही हो गया यार। 30 चाहिए रहता है लगभग अपने को ये करने के लिए, पूरा जो आर्मर है वो बनवाने के लिए। बाहर चलते यार, कुछ ज्यादा ही अंधेरा है ऐसा लग रहा है इसमें, ऊपर जाने के लिए जगह। ओ भाई मस्त यार ये एकदम फील आ रहा है, अच्छा खासा फील आ रहा है मुझे भाई। कौन से वाले बायोम में आ गया मैं, अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं पॉइजनस जगह पे आ गया हूँ। ओ ऊपर भी एक विलेज है, चलो। अरे एक मिनट लेट मी थिंक मैन, भाई मैं वहां से ही तो यहाँ पे नहीं आया भाई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आई थिंक वहां से, हाँ ये साइड चलना अपने को। यस ये सेम वाला विलेज है लाइक जहाँ से हम लोग आए थे। ये क्या जगह है भाई, अच्छा ये नॉर्मल पानी है, ठीक है? मैं भी बोलता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है?
ये नॉर्मल पानी है भाई, पानी को देख के ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। बट क्या मस्त लग रहा है यार, चीजें कुछ ज्यादा ही अनोखी लग रही है, कुछ नया सा नया सा एक फील आ रहा है। मुझे पता है काफी बार मैं ये सेम चीज बोलता हूँ, बट जब मन में है वही बोलता हूँ दोस्तों। जो आपके मन में है वो भी आप कमेंट कर दो, मुझे पता है आपके मन में क्या है। आपके मन में ईशान भाई थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं, आपके मन में है कि भाई मजा आ रहा है, सबको ही मजा आ रहा है। ऊपर चलते और भी ऊपर चलते हैं, थोड़ा समझ जाओगे अगर लैग ज्यादा दिखता है तो आपको, प्लीज समझ जाना दोस्तों प्लीज। ठीक है, तो ये साइड पे आते हम लोग, यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अच्छे खासी जगह ढूंढनी यार कोई मुझे। ठीक है, ये बारिश इससे एकदम रियलिस्टिक हो जाती है, कोहरा वगैरह ज्यादा बढ़ जाता, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे सीरियसली। भाई बंद हो जाए बारिश, बंद कर दो यार तुम लोग ये सब, बंद कर दो प्लीज, प्लीज बंद कर दो यार, प्लीज बंद कर दो यार। कौन से वाले लोकेशन पे आ गया मेरे को कुछ नहीं समझ रहा भाई, घूम गया डेफिनेटली मैं घूम गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चलते यार, कुछ माउंटेन के ऊपर से शायद से क्या हो क्या रहा है, ऊपर से चीजें टूट रही है भाई, मुझे सच में डर लग रहा है। अभी गलती से हॉरर वाले मॉल्स तो नहीं डालते मैंने इसमें, क्योंकि अपनी हॉरर वाली भी एक सीरीज थी, उसके मॉल्स भी मैंने शायद गलती से तो नहीं डालते इसमें। हीरो प्लान वगैरह ना आ जाए भाई अचानक से कैसे। ओ यहाँ पे ये भी है, पैरेट भी है भाई, मुझे एक पैरेट चाहिए प्लीज प्लीज। कोकोआ के सीड्स है, कोकोआ नहीं नॉर्मल भी शायद से ये सीड्स, यस स्वीट सीड्स खाते नहीं है। आ जाओ आ जाओ, मुझे पैरेट चाहिए भाई, कंफर्म पैरेट चाहिए। आ जा भाई आ जा आ जा, यस पैरेट मिल गया अपने को, एक और चाहिए यार, भाग मत प्लीज 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 प्लीज। हाँ खाना खा जा, खा अबे खा लेना भाई, अबे कितना खाए का ये, अबे नीचे नहीं गिरना है मुझे। ओके बन गया अपना तोता, आ गया भाई तोता मिल गया अपने को, एक मस्त सा तोता मिल गया। ठीक है चलो अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा अपना काम, और ऊपर चलो, काफी ज्यादा ऊपर आ चुका। ओए ऊपर भी आयरन मिल गया, चलो अच्छी बात है अपने लिए, अच्छी बात हो गई है। ठीक है ये देखते अभी यहाँ से क्या जगह है। ओहो भाई कहीं पे भी नजर डालू एक मस्त फील आ रहा है मुझे, वहां पे एक विलेज दिख रहा है। ठीक है ये साइड पे देखो, ये साइड पे ऐसा लग रहा है जैसे एक कोहरा टाइप आ गया है, ये साइड क्या है भाई, उधर भी कुछ अलग जगह है, इधर अलग टाइप के माउंटेन से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वहां से हम लोग आए थे। ओके गॉट इट गॉट इट, वहां से वहां पे अपना एक पहले वाला विलेज था, सबसे पहले वाला मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर आपको दिखेगा या नहीं, पर अपने को एक्चुअली नेक्स्ट यहाँ पे जाना था और मैं गलती से ये साइड पे आ गया, बिकॉज मुझे रास्ता भटक गया मैं। बट वो साइड पे भी जाके मतलब ना आगे चेरी ब्लॉसम ही दिख रहा है मुझे, तो मे भी हम लोग ये साइड पे जाने की कोशिश कर सकते हैं आगे। एक मिनट देखते कहाँ पे जा सकता हूँ मैं, ये साइड पे मे भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे ओपनिंग दिख रहा है। ओ यहाँ पे और था मिल गया, मैं ऐसे थोड़े टाइम के लिए अभी रेस्ट लेने वाला था, मतलब बड़बड़ कर करके मैं थक गया हूँ, बट अभी यहाँ पे आयरन मिल गया तो अभी अपनी बड़बड़ जारी रहेगी जब तक मेरे पास आयरन है। ये जो कैमरा का मॉडल है ना, इससे देखते हैं हम लोग कहाँ पे आए। ओ भाई काफी खतरनाक जगह पे आए हम लोग, यहाँ पे इतना बड़ा ओशन है, कही है बड़ा सा ओशन है ये साइड पे, और कुछ कुछ जगह पे ना ग्लीचेस आएंगे। ये मॉडल काफी नया सा है भाई, वहां से सिर्फ हम लोग यहाँ तक आए। सोच भाई मुझे हंसी आ रही है सोच के कि मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, ये देख के सोच के अजीब लग रहा है मुझे। ठीक है 19 हो गया, यहाँ पे 20 टोटल हो गया, 25 हो गया, तो हम लोग सारी की सारी चीजें बनवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली एक आयरन की चेस्ट प्लेट, देन एक आयरन की पैंट, देन और क्या होता है भाई, और क्या ऑब्वियसली भाई आयरन का एक हेलमेट, देन आयरन के जूते भी बनवाते हैं। अच्छा तो जूते भी बन गए, ठीक है सारी चीजें बन गई, ये वाले जूते हटाता हूँ मैं एंड सारी आयरन की चीजें पहन लेता हूँ। ये देखो फुल आयरन का हो गया भाई, फर्स्ट एपिसोड में आयरन के हो गए हम लोग। मुझे मैंने इतना डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे, वो देखो ना वहां पे, देखो वहां पे कुछ अलग टाइप का आइलैंड है, तो वहां पे हम लोग जा सकते हैं। ये साइड पे क्या है, ये साइड पे मुझे लगा पहले विलेज है, लेकिन विलेज नहीं है, कुछ अलग ही चीज है, मुझे क्लियरली दिखा नहीं था इसलिए शायद मैंने जल्दबाजी में कुछ अलग देख लिया इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस पहली बात तो कि विदाउट दिस मॉड कैसे दिखेगा माइंड। ठीक है मैं भी थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। वाओ क्या लोकेशन है ये सामने देखो भाई, क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे दिखेगा माइनक्राफ्ट विदाउट शेडर्स। फर्स्ट शेडर्स हटा दिया मैंने, तो विदाउट शेडर्स ऐसे दिखेगा देखो, और अभी विदाउट वो मॉड दिखाता हूँ, डिस्टेंट होता है ऑप्शन में चलते हैं, मॉड को बंद करते हैं। ठीक है अभी देखो विदाउट मॉड ऐसे दिखता है माइनक्राफ्ट, देखा आपने देखा, और अभी वापस से हम लोग मॉड ऑन करते हैं, आई होप कि ये देखो विद मॉड एंड विद शेडर्स नाउ। ठीक है वापस शेडर्स, भाई जमीन आसमान का डिफरेंस, शेडर्स भी कमाल के, सब कुछ कमाल का है भाई, मजा आ रहा है। ठीक है अपने को जाना कहा था यार, वो साइड पे जाना था क्या, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है थोड़ा सा, एंड ये साइड पे क्या है, ये साइड पे तो कुछ अलग नहीं दिख रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है मुझे। ओके यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे ये मिल गया मुझे, वेट 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 यार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अभी, मुझे पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं, अरे यार बचूंगा या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है। ओ कर दिया भाई मैंने, कर दिया भाई, मुझे लगा नहीं था मैं बच पाऊंगा। ओके बिकॉज थोड़ा सा लैग भी है ना ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ। अबे यार ये भी आ गए इधर, दोनों पैर मिल गए एक साथ, व्हाट द हेल इज दिस, दोनों पहले एक साथ चले गए मेरे, इतना मस्त हैप्पी सा सीरीज था ये। ओ सैडल मिल गया, नाइस वन सैडल मिल गया, एंड आयरन निकालते चलो। तो एक्चुअली में ये
भाई साहब क्या लोग यार, क्या लोग। इसमें क्या है, इसमें एरोज है नॉर्मल से, ठीक है। यहाँ से निकल चलता है, निकलते नहीं एक्चुअली, यहाँ पे ना ये साइड पे कुछ स्विचेस होते हैं, ठीक है। कुछ तो ओपन करते हैं ना इसको, कुछ ओपन हो गया क्या यहाँ से, ऊपर कुछ है, ऊपर नहीं है कुछ, ठीक है। एक मिनट सो जाते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करते भाई आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे भाई अजीब सीन हो गया था भाई, ये बहुत अजीब सीन हो गया था, निकाला ये मैंने। अरे कुछ तो हो जाए यार, मेरा दिमाग हट रहा है, चुपचाप से इसको तोड़ो भाई, सीधा अंदर चलो। इधर क्या है, अबे ये इसके लिए मैं ये कर रहा था क्या इतनी मेहनत, ये गंदी चीजों के लिए। हटो भाई, कुछ भी करना पड़ जाए यार, सीरियसली कुछ भी करना पड़ जाए। एक आध अभी घोड़ा मिल जाए यार, बिकॉज ये वाले मॉड में पहले से एक तो क्या बोलते हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस ऐसे मुझे जाना पड़ जाए, बिकॉज थोड़ा सा ऐसे लंबे लंबे से ये बन गए अभी बायम्स बन गए, और उसमें भी अपने को लाइक चल के जाना पड़ जाए। अब तक तो घोड़ा वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाए। ये साइड पे चलना था ना अपने को, ये ऐसे दिस साइड ओनली, ये साइड पे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चल के देखता हूं मैं कि वहां से क्या लोकेशन आता है और वहां से हम लोग कहां पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद मैं आगे का डिसाइड करता हूं कि अपने को आगे इस सीरीज में भी क्या करना है, प्लस कौन से साइड पे जाना है, हम लोग को सीधा नेदर में जाना है या फिर नीचे पहले एक घर बनवाना है, नीचे मतलब कि जमीन पे घर बनवाना है, देन हम लोग आगे का डिसाइड कर सकते हैं ना, और भी क्या हो सकता है। कहां पे आ गया मैं, ये यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। आओ भाई यार, मैं अभी जस्ट भाई इसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे पैरेट मारे गए थे दोस्तों। भाई अच्छा ना लग रहा है यार, सच्ची में पैरेट चले गए मेरे, दो ही पैरेट थे मेरे, फर्स्ट पेट थे यार, इतनी जल्दी नहीं जाने चाहिए थे, इतनी जल्दी नहीं जाने चाहिए थे, दुख हुआ उनके लिए। हम लोग कुछ करेंगे भाई अपने पैरेट्स के लिए, कुछ करेंगे। वो फर्स्ट पैरेट थे, ब्लू कलर के थे दोनों भी, हम लोग उनके स्टैचूज बनाएंगे भाई इस वाले वर्ल्ड में, मैं उसके स्टैचूज डेफिनेटली बनाऊंगा। अगर वीडियो भी नहीं बनाया मैंने उसका, लेकिन स्टैचू तो डेफिनेटली बनाऊंगा। ये साइड पे कुछ है क्या, कुछ कासल्स वगैरह भी होते हैं, मुझे एक्चुअली उनको ढूंढना है, उसमें भी अच्छी खासी लूट मिल जाती है, उसमें से लाइक कुछ खतरनाक चीजें मिल गई तो अपना आगे का जर्नी काफी इजी हो जाएगा। ये साइड पे भी चल के देखते हैं कि कुछ नया सा दिखता है क्या अपने को। यहाँ पे ओ सीरियसली यार, देखो कितना बड़ा ओशन है ये, मजा आ रहा है यार। इसमें लाइक आइलैंड भी है, सब कुछ है। वो लेफ्ट साइड पे भी कुछ अलग चीजें भाई, कुछ ज्यादा ही चीजें है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और ये साइड भी कुछ आइलैंड है भाई, मुझे वो फ्लोटिंग आइलैंड पे चलना है। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, आराम से हम लोग फ्लोटिंग आइलैंड पे जाएंगे। ओके मैं थोड़ा सा ऊपर से देखता हूँ कैसा दिखता है ये वापस। भाई मजा आ रहा है देखने में, काफी मजा आ रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में बताना भाई कि मजा आ रहा है या नहीं। भाई मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ओ वहां पे भी एक फ्लोटिंग आइलैंड है, देखो वहां पे हम लोग जा सकते हैं। बाद में चलते हैं, क्योंकि गाइस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे वो फ्लोटिंग आइलैंड पे वगैरह, और कुछ नई नई जगहें ढूंढेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाए तो लाइक देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।